नमस्कार, ओपन सोर्स बुक में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के साथ चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने HTML के सफर में। और इस वीडियो में हम जानेंगे HTML5 के कुछ मूलभूत टैग, जिन्हें लोग बेसिक टैग्स बोलते हैं। ये टैग हम उपयोग में लाते हैं अपने जो टेक्स्ट है या जो कथन है आपको उनको अलग अलग रूपों से दिखाने के लिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं HTML5 के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। जो HTML5 को पुराने HTML के वर्जन्स से भिन्न बनाता है, ये किस तरह अलग है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसी से आप समझ पाएंगे कि HTML5 आखिर क्यों लाया गया। क्योंकि जब आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे अलग आपको बदलाव नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जो बदलाव हैं वो किस रूप में प्रयोग में लाने हैं ये ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि HTML5 लाने के पीछे सबसे बड़ी ज़रूरत क्या थी। HTML5 का जो नींव है वह एक शब्द पे रखा गया है जिसको अंग्रेजी में सिमेंटिक कहते हैं। सिमेंटिक का मतलब है आप जो भी लेख कथन या जो भी आप चीज दे रहे हैं उसी से उसका कुछ अर्थ समझ में आ जाए। अब जो हमारा इंटरनेट है ये एक तरीके से बहुत ही बड़ा डेटाबेस बन गया है, मतलब एक ज्ञान का भंडार हो गया है जिसमें, जैसा कि आप जानते हैं, ज्यादातर जानकारी जो हमें दिखाई देती है वह HTML के पेज बनते हैं और उसी के में से हमें दिखाया जाता है। अब हुआ क्या है कि ये बहुत सारे लेख कथन या कंटेंट जो है वह सिमेंटिक नहीं है, मतलब वह प्रस्तुत तो किया गया है पर उसका अर्थ ठीक तरीके से नहीं बताया गया है HTML के अंदर। चलिए मैं आपको इसका एक साधारण सा उदाहरण देता हूं। आपने गूगल ट्रांसलेट तो इस्तेमाल किया होगा, इसमें आप कुछ हिंदी में लिख के दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं, सामने आ सकता है, पर इसमें कुछ कमियां हैं, त्रुटियां हैं, और ऐसी ही त्रुटियां या कमियां आपके HTML के पुराने जो संस्करण हैं उनमें भी थी। तो जब हम HTML5 का प्रयोग करना शुरू करेंगे तो हमें अपना जो कथन, लेख या कंटेंट है वो इस तरह प्रस्तुत करना है ताकि वो सिमेंटिक हो जाए और हम उसका अर्थ, अर्थ से मतलब ये नहीं है कि उसका शाब्दिक रूप से अर्थ बता सके, पर हम क्या दे रहे हैं वो हम समझा सके। तो देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अब मेरा नाम गौरव है, अब इसको मैंने यहां गूगल ट्रांसलेट में डाल दिया। अब अगर कोई हिंदी में लिखता है मैं गौरव से मिला, इसका अर्थ ये हो गया कि मैं गौरव नाम के व्यक्ति से मिला। अब चूंकि गौरव का मतलब अंग्रेजी में प्राइड होता है, गूगल ट्रांसलेट ने इसे सीधे सीधे कर दिया है आई मेट प्राइड। तो ऐसी ही काफी सारी समस्याएं HTML के साथ आती हैं, जब हम HTML के साथ तो नहीं कहूंगा, पर ऐसी समस्याएं आती हैं जब हम अपना कथन कंटेंट देते हैं बिना यह बताए कि क्या है। तो इस जगह हमें करना क्या होता है कि हमें बताना होता है कि यह एक नाम है, ना कि इसका मतलब प्राइड से लेना है। तो अगर मैं इसको देखिए कोट्स में डाल देता हूं तो शायद ये बदल जाएगा। हाँ, तो ये देखिए ये बदल गया है। अब फिर से उसने वही कर दिया, थोड़ा सा फिर बदल करके ये आ जाएगा, पर अब यहाँ पे ये लिख रहा है आई मेट गौरव, तो इसने ये बदल दिया है। तो ऐसी समस्याएं हमें HTML में जब हम अपने कथन लेख प्रस्तुत करते हैं तो आती। तो HTML5 में
मान लीजिए आप ऐसा कुछ कथन लिख रहे हैं, ऐसे काफी सारे शब्द हैं जो हिंदी में हैं, और अगर वही आप सीधे सीधे अंग्रेजी में ले ले या दूसरी भाषा में ले ले तो उनका अर्थ बदल जाता है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि HTML5 में जो मूलभूत टैग है या बेसिक टैग है उन्हें कैसे प्रयोग में लाना है। तो चलिए हम देखते हैं छोटे छोटे उदाहरणों के साथ। सबसे पहला जो टैग हम देखेंगे एक लाइन ब्रेक टैग है, और एक इसे टैग नहीं कहते हैं बी के लिए, इसको हम NBSP एम्फरसेंड NBSP सेमीकोलन, इससे हम शब्दों के बीच में जगह बढ़ा सकते हैं। तो होता क्या है HTML में, या जब आप कोड लिखते हैं तो हम वाइट स्पेस बोलते हैं एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच की जगह पे, या ज्यादा जो लाइनें होती हैं लाइनों के बीच में, पंक्तियों के बीच में जो जगह होती है उसे हम वाइट स्पेस कहते हैं। तो HTML जो है एक से ज्यादा वाइट स्पेस को उस पर ध्यान नहीं देता है, मतलब उसे छोड़ देता है। तो अब हम एक उदाहरण लेते हैं। तो ये उदाहरण आप देखिए, इसमें कुछ मैंने पैराग्राफ डाले हैं तो ये सारे चिपक के आ गए हैं, तो ये दोनों ये सब अलग अलग होने चाहिए थे। तो इसको पहले तो मैं खोल लेता हूँ, इसमें अपने टेक्स्ट एडिटर में खोलता हूँ। तो ये आप देखिए, ये मैंने HTML लिखा है, HTML5 का डिक्लेरेशन है, और ये सब पूरा मेरा यहाँ। अब इसमें एक चीज हम शुरू करने से पहले देख लेते हैं, मैंने पिछली बार ये सब निकाल दिया था इसमें से। तो HTML जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो ये जो भाषा का प्रयोग मैं यहाँ कर रहा हूँ, पूरे मेरे कथन जो है और ज़्यादातर इसमें जो चीज़ मैंने लिखी है वो हिंदी में है। तो ज़्यादातर क्या होता है, यहाँ कुछ लिखा नहीं होता तो उसे अंग्रेजी ही मान लिया जाता है। तो अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो ये लैंग्वेज, लैंग इज इक्वल टू इंग्लिश, मतलब लैंग्वेज कौन सी है ये आप डाल दीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके जो सर्च इंजन है या इंटरनेट पे दूसरी चीज़ें जो हैं वो समझ जाएंगी कि ये आप ने हिंदी भाषा में एक पेज बनाया है, और इसका जो इसमें जो कथन है या जो सामग्री है या कंटेंट है वो हिंदी में है, तो इसका ये मतलब है। तो इसका आप ध्यान रख सकते हैं जब आप किसी दूसरी भाषा में लिख रहे हैं तो उसे आप यहाँ पे डाल दीजिए। अब हर एक भाषा का क्या कोड होता है, दो अक्षरों का कोड होता है, ये आप नेट पे देख सकते हैं। हिंदी का HI है, ये आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, जब मैंने ऐसे लिखा है एनिमेशन क्या है, मैंने एक लाइन की जगह दी है, यहाँ जगह दी है, यहाँ, तो ये मैंने पैराग्राफ बना के लिखे हैं। पर हो क्या रहा है, जब मैं इसको अपने ब्राउजर पे देख रहा हूँ तो ये सब चिपक के आ जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो HTML है जब उसको ब्राउजर पढ़ता है तो वो ये सारी खाली जगह को अनदेखा कर देता है, बिल्कुल छोड़ देता है। तो अगर आपको जगह चाहिए तो इसके लिए हम ब्रेक टैग यूज करते हैं, ये BR ब्रेक टैग यूज करते हैं। एक ब्रेक टैग से एक लाइन आ जाएगी। अब इस पे मैं हर जगह डाल देता हूँ, यहाँ यहाँ पे, तो आप देखिएगा कैसा फर्क आ जाता है। इसको मैंने सेव कर लिया, याद रखिए Ctrl+S है सेव करने के लिए। अब इसको मैं रीलोड कर देता हूं, तो आप देखिए फर्क तो पड़ गया है लेकिन और लाइन नहीं आई है। तो अब और अगर मुझे लाइन चाहिए तो मुझे ये फिर से एक और बार डालना पड़ेगा, तो दो बार डाल देता हूं। तो जितनी बार आप डालेंगे उतनी नई पंक्ति बनती जाएंगी। तो ये अगली पंक्ति, एक और पंक्ति, तो इससे दो दो पंक्तियों का अंतर आ जाएगा। दो पंक्ति मतलब एक बिल्कुल नीचे और उसके बाद, तो आपको जो जगह दिखाई देगी वो लगभग एक पंक्ति की होगी। अब देखिए ये आ गया अलग अलग पंक्तियों, शायद एक ऊपर छूट गया है, यहाँ पे भी छूट गया, यहाँ पे भी हम बढ़ा देते हैं। तो ये यहाँ पे
बढ़ गया है इस तरह से। अब मान लीजिए आपको इसके बीच में ज्यादा जगह चाहिए, या एनिमेशन क्या है ऐसा जो हमने लिखा है इसके बीच में हमें ज्यादा जगह चाहिए, तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ और देखते हैं क्या होता है। इसको बढ़ा दिया तो ये कोई फर्क नहीं पड़ा। तो HTML जो है वाइट स्पेस को अनदेखा कर देता है। तो इसके लिए अगर आपको कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए तो यहां पे आपको ये डालना है एम्फरसेंड NBSP, ये डाल दीजिए। लेकिन ये एक से एक ही जगह आएगी, तो अगर एक ही जगह है तो उसके लिए आप तो सीधे सीधे डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक से ज्यादा जगह चाहिए तो ये आपको ज्यादा डालनी पड़ेगी। चलिए इसे सेव कर लेते हैं और इसको मैं रीलोड करता हूँ। अब आप देखिए ये इसमें ज्यादा जगह आ गई। तो ये NBSP का पूर्ण रूप होता है नॉन ब्रेकिंग स्पेस, मतलब इससे हमारी पंक्ति टूट नहीं रही है, उसी जगह बढ़ जा रही है, स्पेस बढ़ जा रही है एक एक स्पेस। और BR है ब्रेकिंग, लाइन ब्रेक दूसरी लाइन पर चला जाता है। तो ये हो गया आपका NBSP और BR। इसका इस तरह आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जैसे मैंने अभी बात करी थी कि जो हमारा HTML5 है ये कथन के अर्थ और लेख का अर्थ ऐसा हमें समझाना है। अर्थ का मतलब ये है कि ये एक हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, ऐसे हमको समझाना होता है। तो ये जो दो चीजें हैं ये आप तभी यूज करेंगे जब आपको अगली लाइन में जाना है उसे खाली देखने के लिए। तो अगर आपको पैराग्राफ बनाने हैं, जैसे कि हम ये बाहर दिख रहा है पैराग्राफ के रूप में या अनुच्छेद के रूप में आपको कुछ प्रस्तुत करना है, तो अब आप ये देखिए अनुच्छेद का मतलब क्या होता है या पैराग्राफ का मतलब ये होता है कि ये जो हमने एक हिस्सा दिया है यह अपने में पूर्ण रूप से एक कथन है या एक हिस्सा है। तो इसे अगर कोई अलग से निकाल ले तो इससे हमें कुछ समझ में आना चाहिए। इसका मतलब होता है पैराग्राफ। आपने कई किताबें कहानियां नॉवल पढ़ी होंगी, उनमें पैराग्राफ बने होते हैं। तो एक पैराग्राफ जो अच्छे लेखक होते हैं उस अगर आप पूरा एक पैराग्राफ ले ले या अनुच्छेद ले लें तो उसमें आपको मतलब जानकारी समझ में आ जाती है। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि आज तक आप जो HTML में काम करते थे आप सिर्फ एक दृष्टिकोण से देखते थे कि जो आउटपुट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मतलब दिखाई देने के हिसाब से। अब जो HTML है या जो आपका वेब पे आप जो अपना कंटेंट या सामग्री डालते हैं वो सिर्फ दिखाई देने के लिए नहीं, कई सारे लोग हैं जिन्हें दृष्टि की समस्या है जो देख नहीं पाते हैं, वो लोग भी आपके इंटरनेट पे दूसरे प्रकार के सॉफ्टवेयर के प्रयोग से वो इंटरनेट पे जाते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो हैं उन्हें ये सब चीजें पढ़ के सुनाते हैं। तो जब ये पढ़ के सुनाते हैं तो जब आप BR का प्रयोग करते हैं तो वो पैराग्राफ नहीं बनता है अपने में, ठीक है, तो वो एक अलग हिस्सा नहीं बनता है। इसी तरह कई चीजें हैं जिनका प्रयोग हमें सही रूप से करना है ताकि आपके जो लोग हैं जिन्हें दृष्टि की समस्या है जो देख नहीं पाते और वो जो दूसरे प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे वह आपके कंटेंट को ठीक से समझ पाए। तो जब आप कोई चीज पैराग्राफ में डालेंगे तो वो पूरा पैराग्राफ बन जाएगा। ऐसे ही अलग अलग चीजें हैं जिन्हें हम सही रूप से प्रयोग करेंगे। मैं बाद में भी आपको इसका उदाहरण दूंगा और हम ये भी देखेंगे कि जो सर्च इंजन आप बोलते हैं या दूसरे प्रकार के अलग सॉफ्टवेयर जो नेट पे चलते हैं आपकी साइट पे आके जानकारी इकट्ठे करते हैं उन्हें इससे अलग अलग तरीके से कैसे फायदा होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। BR आप तभी यूज करेंगे जब आपको कभी दूसरी लाइन पे पंक्ति तोड़ के दूसरी लाइन पे डालनी है, नहीं तो अगर आपको अनुच्छेद बनाना है पैराग्राफ बनाना है तो आप पैराग्राफ टैग का प्रयोग करेंगे। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं पैराग्राफ टैग P होता है और इसका बंद करने वाला जैसा आप समझ गए होंगे स्लैश P से होगा।
तो अब हम देखिए इसको पैराग्राफ टैग में डाल के देखते हैं और इससे हमें अपने आप फर्क पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। तो चलिए अब इसको हम डाल देते हैं, ये मैं बी आर इधर से हटा दूंगा। हाँ तो देखिए अब मैंने ये सारे पैराग्राफ टैग में डाल दिए हैं। पहला ये जो है उसे शीर्षक कहते हैं, उसे हेडिंग टैग में डालना चाहिए था, शीर्षक के लिए अलग टैग आते हैं, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, उसका प्रयोग कैसे होता है वो हम देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ा है। तो चलिए सीधे सीधे हम देखते हैं इसको रीलोड करके। अब आप देखिए इसमें अपने आप ही जगह बन गई है जैसा कि आपने पुस्तकों में देखा होगा। तो एक बात और समझनी है कि ये जो HTML है यह एक तरीके से जो हम पहले किताबों पे या कागजों पे काम करते थे उसी को एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में किस तरह प्रस्तुत करना है उसका एक तरीका है। तो ये हो गया आपका पैराग्राफ टैग। और अब होगा ये कि जो अलग तरह के प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है जब वो आपका HTML पढ़ेंगे और आपका ये कंटेंट देखेंगे तो उन्हें अलग अलग पैराग्राफ सही सही से दिखाई दे जाएंगे। तो ये हुई बात पैराग्राफ टैग की, और इसी को हम कहते हैं सिमेंटिक तरीके से अपनी जानकारी को देना। तो अब मैंने जो है हर एक को पैराग्राफ में बना दिया है। तो इससे एक सीधी तरह से एकदम सीधी सीधी बात ही पता चल जाएगी कि एक कोई प्रोग्राम है वो जब आपका कोड पढ़ेगा तो उसे सीधे सीधे वो बता पाएगा कि इसमें कितने पैराग्राफ हैं, ये गिन के बता देगा कि 1, 2, 3, 4, 5। तो कोई प्रस्तुत कर रहा है वो बता देगा कि इस HTML पेज में 5 पैराग्राफ हैं या 5 अनुच्छेद हैं। तो इस तरह की जानकारी आप दे रहे हैं और इसी को हम सिमेंटिक HTML कहते हैं, और ये जो है मूल है आपके HTML 5 का। तो चलिए अब आगे का देखते हैं। अब पुराने HTML में आई टैग होता था और एम टैग भी होता था, लेकिन HTML 5 के साथ जो है इन दोनों का उपयोग अलग अलग तरीके से हो गया है। तो इटैलिक्स जो है हम प्रयोग में लाते हैं जब हमें साधारणतः किसी चीज को अलग उसमें दिखाना है, या कभी कभी जैसे मैंने आपको एक उदाहरण नाम का दिया था तो आप इटैलिक्स को उधर प्रयोग में ला सकते हैं और लिख सकते हैं कि भाई ये नाम है दूसरी भाषा में तो इसको आप इसका मतलब मत बदलिए। और एम का मतलब होता है एम्फेसाइज्ड, मतलब आप उस पर एक तरीके से बल डाल रहे हैं और थोड़ा जोर लगा के आप किसी चीज पे बता रहे हैं, तब आपको एम का प्रयोग करना है। दोनों से जो आपके कथन है या टेक्स्ट है वो टेढ़ा ही दिखाई देगा, इटैलिक्स जिसको हम कहते हैं वैसा दिखाई देगा। लेकिन जैसे कि मैंने सिमेंटिक की बात करी है, एम जब आप लिखेंगे तो यह उस कथन या शब्द पे जोर डालेगा एक तरीके से। तो देखते हैं इसका एक उदाहरण देखते हैं। तो ये मैंने आपका उदाहरण है और इसका हम कोड देखते हैं। तो ये कोड है, इसमें चिड़ियाघर के बारे में कुछ जानकारी लिखी है। अब यहाँ पे जब आप पढ़ रहे हैं तो कुछ जानकारी जो है चिड़ियाघर के बारे में उसमें लिखा है, ये उपवन के 3 प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। तो इधर है मनुष्यों का मनोरंजन करना और आचरण व्यवहार चाल ढाल आदि की अध्ययन करने के लिए। तो इसे जब हम यहां देखते हैं तो ये दिखने में तो आपको इटैलिक्स जैसा ही दिखेगा, पर जब जैसे कि मैंने कहा कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर हैं वो जब इसको देखेंगे तो वो इसको दूसरी तरह से पढ़ेंगे या इसको जोर देके पढ़ेंगे। जैसे कि पशु पक्षियों का आचरण व्यवहार चाल ढाल, इस तरह से इस पे थोड़ा जोर दिया जाएगा, मतलब आप एक तरीके का जोर दे रहे हैं और आप ये बता रहे हैं कि यहाँ पे किस खास बातों पे ध्यान दिया जा रहा है। तो ऐसे उपवनों के
तीन प्रमुख उद्देश्य है, मनुष्यों का मनोरंजन, तो मनुष्यों का मनोरंजन मैंने एम में डाल दिया है, और पशु पक्षियों आचरण व्यवहार चाल ढाल, ये तीन मैंने एम में डाल दिए, तो इससे जोर दिया जा रहा है। दिखने में आपको, तो जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है, पर जब दूसरे सॉफ्टवेयर या सर्च इंजन इन पे आते हैं तो उनके लिए एक अलग निर्देश बन जाता है कि ये यहाँ पे शब्द हैं जिन पे हमने जोर दिया गया है, तो वो इससे अंदाज लगा सकते हैं इसके प्रमुख उद्देश्य। तो मुझे असल में प्रमुख उद्देश्य पे भी थोड़ा जोर डाल देना चाहिए था, और मनुष्यों का मनोरंजन आचरण व्यवहार चाल ढाल इस पे भी थोड़ा जोर डालना चाहिए था। तो उसी तरह यहाँ पे मैंने और डाल दिया है, एक और जगह ये डाल दिया है, चिड़ियाघर में पशु पक्षियों को तंग करना मना है, इस पे भी हमने जोर दिया गया है। और दूसरा एक जो अब हम देखते हैं इटैलिक्स, अब ये कोई बहुत खास बात नहीं है, इस पे कोई जोर डालने की जरूरत नहीं है, तो इसको हमने इटैलिक्स में डाल दिया है। लेकिन जब कोई पढ़ रहा है, ध्यान इस पे हमें ध्यान आकर्षित करना है, तो उस पे मैंने ये डाल दिया, चिड़ियाघर 2 से 4 बजे तक बंद रहेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इटैलिक्स में डाल दिया है। इसमें जोर देने वाली बात नहीं है और ये इटैलिक्स में डाल दिया गया है। और दूसरा एक उपयोग मैं आपको दिखाता हूं, इसमें मैंने ऐसे ही डाल दिया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनिमल एंड कैप्टिविटी। अब ये तो लिखा तो मैंने हिंदी में है, पर ये सारे शब्द जो है अंग्रेजी के हैं, तो इसको मैं आई से भी इस्तेमाल कर सकता हूं, तो इससे होगा तो ये कि एकदम आपका ध्यान आकर्षित हो जाएगा कि ये एक अलग तरीके से लिखा है, तो कुछ अलग है ये। और दूसरा मैंने इसको सिमेंटिक रूप से और जानकारी दे दी है कि ये जो मैंने लिखा है, लिखा तो हिंदी में है पर ये असल में अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। तो ये हुआ एक और तरीका सिमेंटिक तरीके से HTML का प्रयोग करना। तो ये चीजें आपको समझनी है और आप अपने हिसाब से थोड़ा ध्यान देके किस तरह इन चीजों को प्रयोग में लाएंगे वो आपको थोड़ा समझना है, और इसी तरह जैसे जैसे आप प्रयोग में लाएंगे आपको समझ में आता जाएगा कि कहाँ कहाँ हम इन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया इटैलिक्स, आई टैग और एम टैग का प्रयोग। तो जहाँ पे हल्का जोर देना है या किसी शब्दों पे हल्का जोर देना है तो हम एम का प्रयोग करेंगे, और खाली दिखाने के लिए हमें करना है या ऐसी कोई दूसरी भाषा की कोई चीजें हैं जिन पे हमें करना है तो हम ऐसे करके इटैलिक टैग लैंग्वेज एट्रीब्यूट के साथ प्रयोग में लाके हम इसको लिख सकते हैं। क्योंकि हम, आपने ध्यान दिया होगा, हमने शुरुआत में यहाँ पे भी अभी EN लिखा है, इसे मैं HI कर देता हूँ हिंदी, तो इससे ये हो गया कि मेरा ये पूरा पेज जो है वो हिंदी में है, तो ये हिंदी में नहीं समझना है, ठीक है, तो इसको हमें अंग्रेजी में समझना है। तो अगर वो इसको कुछ बदलाव करना चाहेगा या अंग्रेजी में दिखाना चाहेगा तो वो अंग्रेजी के हिसाब से इसको समझेगा। तो ये तो हो गया आपका आई और एम। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्या है। अगले दो टैग हैं बोल्ड और स्ट्रॉन्ग। अब बोल्ड जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे आई की तरह, इससे आपका जो कथन है, टेक्स्ट है, वो थोड़ा मोटा हो जाता है, और स्ट्रॉन्ग दिखने में बिल्कुल बोल्ड जैसा दिखेगा, आपका जो टेक्स्ट है स्क्रीन पे या ब्राउजर पे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और बोल्ड में दिखने में कोई अंतर नहीं आता। अंतर जैसे हमने आई और एम में देखा है उसी तरह है, जब हम स्ट्रॉन्ग का प्रयोग करते हैं तो यह किसी चीज के महत्व या कोई बहुत गंभीर चीज है उस पे, या बहुत ही अत्यावश्यकता है, अभी इस पे बहुत काम करना है या उस पे जोर डालना है, उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी में इम्पोर्टेंस, सीरियसनेस और अर्जेंसी के लिए है। तो चलिए इसका एक उदाहरण के साथ इसे भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले तो मैं ये तीसरा उदाहरण खोलता हूँ। तो ये देखिए, मान लीजिए एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए इसमें ना तो मैंने पैराग्राफ डाला है ना कुछ डाला है, तो सब चिपक के आ गया है। तो चलिए इसको
फिलहाल के लिए मैं br डाल देता हूँ, ये गलत बात है पर फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही कर लेते हैं। तो चलिए इसको फिर से देखते हैं। तो अब ये है प्रोजेक्ट पे काम करना है, ए बी सी और डी चार प्रोजेक्ट है, इन पे काम करना है। तो अब प्रोजेक्ट पे काम करना है, एम डाल दिया, इससे जोर पड़ गया कि ये चार प्रोजेक्ट हैं जिन पे काम करना है, ठीक है। पर ये गंभीरता का विषय नहीं है, इस पे हम जोर डाल रहे हैं कि ये चार प्रोजेक्ट हैं जिन पे काम करना है। अब यहाँ बॉस ने कहा प्रोजेक्ट ए को एक महीने के भीतर पूरा कर किया जाना चाहिए, नहीं तो तुम नौकरी खो दोगे। अब देखिए, अब इसमें समझना ये है कि इस पे हम जोर डाल रहे हैं और ये बहुत गंभीर वाक्य, मतलब ये प्रोजेक्ट ए जो है इन सब में से इस पे हम एम्फेसिस दे रहे हैं या इस पे हम जोर डाल रहे हैं। लेकिन ये है कि अगर ये नहीं होता है तो तुम नौकरी खो दोगे, ठीक है। तो इसमें शायद कहीं थोड़ी गड़बड़ हो गई है, ये यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए था, हमने गलत कर दिया, अभी वो टेढ़ा आ रहा है। अब फिर से देखते, ये यहाँ पे खत्म होना चाहिए था। चलिए, तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाक्य है, इसमें जोर डाला गया है पर इसमें उतनी गंभीरता नहीं है। लेकिन बॉस ये भी कह रहा है अगर यह नहीं होता है तो ये बहुत, इसके गंभीर नतीजा ये है कि तुम अपनी नौकरी खो दोगे, ठीक है। तो अब आप देखिए इसको मैंने क्या किया है, एम में लिख दिया है। तो जिन चीजों पे जोर डालना है, हल्का जोर डालना है कि ये चार प्रोजेक्ट तो करने हैं और प्रोजेक्ट ए जो है यह हमें एक महीने के भीतर कर देना है, और अगर ये नहीं होता है तो जो प्रोग्रामर है उस पर क्या होगा कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। तो इस पे बॉस जो है बहुत जोर दे के बता रहा है कि यह तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। अब नीचे हमने क्या लिखा, इन प्रोजेक्ट के लिए आपको जावा C++ और लिनक्स आना चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो है इनमें ना जोर देने वाली बात है ना कुछ है, बस हमें यह दिखाना है कि कौन से शब्द हैं जिन्हें हम लोग वेब डेवलपमेंट के भाषा में कीवर्ड्स बोलते हैं, महत्वपूर्ण शब्द जो हैं उनमें से है जावा C++ और लिनक्स, ये तीनों चीजें आना चाहिए। तो इसे मैंने डाल दिया है बोल्ड, तो ये उपयोग होगा आपका बोल्ड टैग का, जहां पे आप जो शब्द हैं या कीवर्ड हैं उनको आप दर्शाना चाहते हैं या खाली दर्शाने के लिए या जताने के लिए, वहां पे आप बोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं। और जहां पे आपको बहुत गंभीरता दिखानी है और या ये कहना चाहते हैं कि ये अत्यावश्यक है, जैसे अगर आप इस पे गंभीरता जताना चाहते थे कि प्रोजेक्ट ए को पहले करना है, तो इसे आप स्ट्रॉन्ग में डाल सकते हैं एक लाइन से। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चलिए बॉस ने कहा प्रोजेक्ट ए को पहले करना है, तो उसे हम स्ट्रॉन्ग में डाल देंगे, तो ये हो जाएगा अत्यावश्यक, ये पहले करना है और उसके बाद उस पर हम जोर डाल रहे हैं, क्योंकि ये तो हमने बता ही दिया अत्यावश्यक है और यहां पे हम डाल देंगे कि जोर डाल रहे हैं। तो ये हो गया आपका बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक्स और एम्फेसिस, और इनका कैसे प्रयोग करना है ये आपको समझना है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि आप इनके अर्थ और भावनाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं अपने आप जो कथन लिख रहे हैं, कि जब हम बोलते हैं तो हम बोलने में जोर डाल सकते हैं, आपके जो अंग्रेजी बोलते फेशियल एक्सप्रेशन, आपके चेहरे पे जैसा प्रभाव, चेहरे के प्रभाव से पता चल जाता है कि कैसा जोर है क्या है, तो उस तरह से ये हम प्रयोग में ला रहे हैं इन चीजों को। अंडरलाइन साधारणतर किसी चीज को रेखांकित करने के लिए है, किसी चीज को आपको अंडरलाइन करना है तो ये अंडरलाइन टैग होता है। तो इसमें भी अब ये कहते हैं, क्योंकि जब आप देखेंगे हाइपरलिंक, आपने देखेंगे जिसपे आप क्लिक करते हैं तो दूसरा पेज खुलता है या कोई इमेज खुलती है, तो आजकल ये कहते हैं कि इसको आप अगर ना ही इस्तेमाल करें तो अच्छा है, फिर भी कहीं पे आपको अगर करना है अंडरलाइन तो आप इसको
इस्तेमाल कर सकते। तो देखिए यह है उदाहरण अंडरलाइन के लिए। अब इसको अगर हम देखते हैं तो आपको दिखेगा कि ये लाइन जो है रेखांकित हो गई। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको जरूरत ना हो तो इसका उपयोग ना करें, पर इसके लिए ऐसे कोई मनाही भी नहीं है। अब हम अगला देखते हैं S। इसको स्ट्राइक आउट कहते हैं, मतलब काट दिया गया है। कभी आपको कुछ ऐसा वाक्य है या कुछ है जो पहले था पर अब उसका नहीं है, तो आप अगर उसे हटा देंगे तो शायद अगले को नहीं समझ में आएगा। जैसे आपने कई बार मार्केट में देखा होगा, दुकानों में देखा होगा कि लिखा रहता है डिस्काउंट 80%। फिर वह जताने के लिए कि पहले 80% डिस्काउंट था, अब ये 90% हो गया, तो 80% तो लिखा ही रहता है, उसे काट के वहीं रखते हैं और ऊपर 90% लिख देते हैं। तो ये उपयोग होता है स्ट्राइक का। तो आप ये भी दिखाना चाहते हैं कि पहले ये था, नहीं अब ये हो गया है, तो इसको हम जो अब ठीक नहीं है और अब ये नया है। तो चलिए इसी उदाहरण में हम देख लेते हैं। मान लीजिए प्रोजेक्ट में आपको पहले जो कौशल चाहिए थे वो थे जावा, C++, लिनक्स, विंडोज, पर अब हमें विंडोज पे बिल्कुल नहीं काम करना है, तो इसको मैं S में डाल दूंगा। और तो अब अगर आप देखेंगे पहले ये लिखा हुआ था और अब ये कट गया, तो इससे ये समझ में आ जाएगा कि ये प्रोजेक्ट पे काम आने के लिए, कौशल के लिए आपको विंडोज की जरूरत नहीं है, आप आराम से लिनक्स, C++ और जावा, यही तीन चीज आपको आनी जरूरी है। तो ये तो हो गया आपका स्ट्राइक, इसको इस तरह आप प्रयोग में लाएंगे। सिर्फ लाइन काटने के लिए इसे प्रयोग में न लाएं, ये इसी तरह प्रयोग में लाना चाहिए जिससे हमें समझ में आ जाए कि पहले ये था और अब इसकी जरूरत नहीं है और इसकी उपयोगिता नहीं है, इसलिए ये दिखाया जा रहा है कि हाँ भाई ये हमने अब हटा दिया है यहां से। चलिए अब दो और देख लेते हैं, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। वैसे तो आप अगर देवनागरी हिंदी में लिख रहे हैं तो ये सब उतना प्रयोग में नहीं आता है, पर ये गणित के जो फॉर्मूले होते हैं, विज्ञान के फॉर्मूले होते हैं, उसमें इसका प्रयोग होता है। जैसे कि A² + B² या फॉर्मूला विज्ञान के जो केमिस्ट्री में फॉर्मूले होते हैं उसमें ये प्रयोग में लाते हैं। तो इसका एक उदाहरण हम और देख लेते हैं। तो ये आप देखिए, मैंने लिखा एक फॉर्मूला नाइट्रस ऑक्साइड का, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड। ये गैस सूंघने से लोग हंसने लगते हैं, कई पिक्चरों में आपने देखा होगा गैस छोड़ देते हैं, सब हंसने लगते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका होता है N2O और ये होता है कि A2 जो है ये नीचे आना चाहिए। उसी तरह से A² + B², अब मैथ में ये दोनों सही है, A2 + B2 भी सही है, पर ये A² + B² को नहीं दर्शा रहा है, इसे ठीक से दर्शाना है तो ये 2 ऊपर जाना चाहिए और ये भी 2 ऊपर जाना चाहिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, सब का मतलब होता है नीचे, SUP होता है सुपर, तो ऊपर जाने के लिए। तो जो आपको नीचे लाने हैं उनके दोनों ओर आप सबस्क्रिप्ट लगाएंगे और जिनको ऊपर ले जाना है उनको ये दोनों ओर आप सुपरस्क्रिप्ट लगाएंगे। चलिए देखते हैं। तो यहां पे पहले तो हम अपना चलिए देखते हैं इसमें। अब इसको अगर मुझे नीचे लाना है SUB लिख दूंगा तो, और यहां पे हो जाएगा सब। अब ये नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही अक्षर को करना है, ज्यादा भी है तो भी आप लिख सकते हैं। तो जितना ये इसके अंदर रहेगा सुपर या सब के अंदर, वो ऊपर या नीचे चला जाएगा, ठीक है। जैसे एक और मैं जोड़ देता हूं, मान लीजिए हमें डेट लिखनी है, कई बार हम लिखते हैं
जैसे सेकंड में, तो ये इसको हम डालते हैं सुपरस्क्रिप्ट में, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसका देख लेते हैं हम आउटपुट कैसा आ रहा है। तो अब आप देखिए कैसा फर्क पड़ गया है, ये एनडी ऊपर आ गया है क्योंकि मैंने सुपरस्क्रिप्ट यूज किया था, ये टू नीचे आ गया है क्योंकि मैंने सबस्क्रिप्ट यूज किया हुआ है, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इससे आपका जो है फॉर्मूला सही दिखाई दे रहा है, और इसी तरह आप सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं, और ये भी एक तरीके से सिमेंटिक है क्योंकि इससे आप सही सही तरह से दर्शा रहे हैं ये क्या है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है, आप ये सारे टैग प्रयोग में लाके देखिए और HTML सीखिए। आप जितना HTML लिखेंगे, कोड लिखेंगे, उतना आपको समझ में आएगा। कृपया कॉपी पेस्ट ना करें, खुद से टाइप करके थोड़ा कोड लिखने की प्रैक्टिस डालें, इसी से आप धीरे धीरे यह आसानी से सीख पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हम मिलेंगे अगले वीडियो में और टैग्स के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो पसंद आया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार।